अभी बच्चा मम्मम खा रहे हो? हाँ? माया, मेरे लिए कोई गाड़ी आ रही है? आपके लिए गाड़ी? तेरे पापा जी कह रहे थे कि 4 बजे कोई टेम्पो आ रहा है मुझे ले जाने के लिए। 4 बजे तो पेस्ट कंट्रोल वालों का टेम्पो आ रहा है। जसबीर वालिया, कीड़े पड़े तुझे। तेरे घर में कीड़े? हाँ मम्मी जी, दीमक आलिया के रूम की दीवार पे। मैंने सोचा एक ही झटके में कॉकरोचेस, मच्छर, दीमक सबका इलाज कर दूं। लो माया पूरा सामान। अरे तो फिर पूरे घर में वो फुसफुस फुसफुस चलता रहेगा, अब बच्चे सांस कैसे लेंगे ऐसी हवा में? इसलिए हम एक दिन के लिए मोंटी के फ्रेंड के फार्म हाउस पे जा रहे हैं। फार्म हाउस की क्या जरूरत है, चलो चलो सब लोग नीचे चलो रहने। नहीं मम्मी जी। अरे मोनू मेरा घर भर जाएगा, चल चल बैग। नहीं नहीं मम्मी जी, रहने दीजिए ना, एक ही दिन की तो बात है और वैसे भी हमारा इंतजाम फार्म हाउस पे हो चुका है। अरे नीचे घर में कितनी जगह खाली पड़ी है, तेरा पुराना कमरा भी तो है खाली। लेकिन वहाँ तो पापा जी का सामान। वो मैं बाहर फेंकवा दूंगी, पापा जी को भी फेंक दूंगी। चल चल नीचे चल, इसे तो मैं अभी ले जाती हूँ। अरे मेरा बच्चा, बच्चा मेरा बच्चा। मम्मी जी एक बार पापा जी को पूछ तो लीजिए। क्यों? मेरा कमरा जब मैं छोटा था। सुमित अच्छा खासा खुला खुला फार्म हाउस मिल रहा था। एक ही दिन की तो बात है माया। ये डायलॉग तुम्हारी मम्मी जी पे नहीं चला तो मुझ पे क्या चलेगा? ये हमारा हनीमून सूट। टीवी यहाँ है, बाथरूम का दरवाजा बाहर है, ये पानी का जग, ये ग्लास, ये तकिया और ये चादर है, ये एसी का रिमोट है। थैंक यू भैया। तो मैं चलूं? हाँ। अरे माया ये देखो मेरी टीचर। इनके साथ ना हमेशा। सोनू तू टिप लेने के लिए वेट कर रहा है? नहीं, यकीन नहीं हो रहा कि एक दिन तू इस तरह लौट आएगा। भाई सिर्फ एक फ्लोर नीचे आया हूँ। लेकिन मम्मी जी के लिए तो तू सियाचिन बॉर्डर से वापस आया, भटूरे की तरह फूले नहीं समा रही है। मेरा ना आज प्यारा बेटा वापस लौट आया है। मैं क्या था, प्लास्टिक का तोता? मतले यार, एक ही दिन की तो बात है। एक दिन और एक रात। और अब तू हमारे यहाँ वापस आ गया तो तुझे बता दूं कि मैं आज भी अपने दरवाजे से उल्टा लगकर शीर्षासन करता हूँ। वेरी गुड भैया। तो हमेशा मेरा दरवाजा खोलकर मुझे गिरा देता था, खेल बना के रखा था इसने। इसलिए अब मैं अपने दरवाजे के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगाकर शीर्षासन करता हूँ हर रोज। हो गया, ठीक है। एक काम कर, तू ना हमें रूल बुक भिजवा देना, हम फॉलो कर लेंगे रूल बुक। ये क्या कर रहे हो? हर घंटे सोनू का दरवाजा चेक करने का रिमाइंडर लगा रहा हूं। अबे मोनू देख क्या किया तेरी औलाद ने। किसने? अबे हैं कितने तेरे, एक है जो घुटने तक आता है, एक है जो कोनी तक आती है। तेरे सारे कंचे हॉल में बिखेर दिए, गिरते गिरते बचाऊ मैं अभी। ओहो पापा जी अभी भी रोकती हूँ। नहीं नहीं रोक मत, उनसे कह कि मेरे हॉल से कंचे समेट कर रसोई में बिखेर दे ताकि डॉली गिरेगी तो थोड़ा टाइम पास तो होगा ना। गिरी। फार्म हाउस में कितना शोर होता ना, कितनी शांति है यहाँ पे। रिलैक्स माया, एक ही दिन की तो। मैं अपने बाबूजी की कसम खा के कहती हूँ कि हार मैंने नहीं चुरा लाए। एक मिनट आई माँ, मैं भी आई। जी मम्मी जी। टीवी पे ना मेरा एपिसोड आ रहा है,
बन्नों की शादी होकर रहेगी। अभी आज ना गोदावरी बहू है ना, उस पे हार चुराने का इल्जाम आने वाला है। महा एपिसोड है, महीने में एक ही बार आता है और मैं अकेली देखती हूँ ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे मुझे। देख क्या रही है कुलक्षणी, निकल जा इस कमरे से, इस घर से। कल मोही कर्म चली काम चोरनी। अरे आवाज तेज हो गई ना, तुझे डिस्टर्ब हो रहा है, तू अंदर जाके पढ़ ले बेटा। वहां बच्चे सो रहे हैं, नो प्रॉब्लम मम्मी जी। अच्छा ये रोशनी ना टीवी के स्क्रीन पे आती है तो ठीक से दिखाई नहीं देता, तेरे लिए अंधेरा है क्या? जा अंदर जाके जा। इट्स ओके मम्मी जी। मोनू अच्छा हुआ तू आ गया। मोनू कुछ करना प्लीज। इतनी शॉर्ट नोटिस पे क्या करूं? ये चलेगा? ये नहीं मोनू, टीवी पे ना मेरा माया एपिसोड आ रहा है और माया टीवी के सामने बैठ के ना पढ़ रही है। जोर जोर से? नहीं जोर जोर से नहीं, लेकिन आज का एपिसोड ना बहुत रोने धोने वाला एपिसोड है। माया के सामने में रुमाल भिगो नहीं सकती ना। देख मोनू उसको बोल वहां से हट जाए। और सुन वो अपनी बड़ी वाली को बोल मेरे पजामे का टेंट बना के ना खेले। कमाल का बाप है यार, बच्चों को तमीज भी नहीं सिखाई। आप लोगों का मेलो ड्रामा भी ना किसी सीरियल से कम नहीं है। अच्छा ये बताओ आज सुबह मेरे रूम के दरवाजे को किसने धक्का मारा था? मोनू का बच्चा। बैठ जा। मोनू अरे इनकी छोड़ना प्लीज, माया को जाके बोलना कहीं और जाके पढ़े है ना यार, एक ही दिन की तो प्लीज मोनू। फॉरगेट अबाउट। हाँ जा बोल दे उसे। माया हटो। कहीं और जाके पढ़ो। मम्मी जी का ना सास बहु भंग हो रहा है तुम्हारी इस जाइंट किताब से। क्या मेरे चुपचाप कोने में बैठ के पढ़ने से वो डिस्टर्ब हो रही है? ये सास बहु की ऑडियंस ना थोड़ी सी टची होती है। अच्छा और वो जो 10 बार मेरे घर में आके मेरे टीवी सोफा किचन पे कब्जा कर लेती है, मेरे बनाए हुए खाने को कूड़े में डाल के तुम्हें घी और तेल वाले खाने से ललचाती है, धुले हुए कपड़े को फिर से धुलवाती है, उससे मैं तो डिस्टर्ब नहीं होती। यार अब अगर मैं बोलूंगा तो तुम बोलोगी कि बोल रहा है। क्या बोल रहे हो? एक ही दिन की तो एक ही दिन और मुझे जो जिंदगी भर सहना पड़ रहा है उसका क्या? बिलीव इट, मेरे सिर्फ पढ़ने से वो इतनी इरिटेट हो रही है, सोचो अगर मैं। <laughs>
क्या माया क्या? कुछ नहीं। तुम कुछ टेढ़ा सोच रही हो, मुझे दिख रहा है। बाय सुमित। और अरे आलिया बेटा हटो ना, मुझे गोगो के गुलाबी लॉलीपॉप देखना है। अरे आलिया बेटा जा जाके अपनी दादी को तंग कर। दादी घर पे नहीं है, जब आएंगी तो करूंगी। ये लो आलिया। थैंक यू। समोसे रात को 8 बजे। वो आलिया को मूड हो गया ना, तो मैंने हलवाई से मंगाए। आप खाएंगे भैया? लेकिन हमारा तो खाना खाने का टाइम हो गया ना, और ऊपर से मम्मी जी ने राजमा चावल बनाए हैं। ठीक है, आपके हिस्से के मैं मुझे दे दो, मैं खा लूंगा। नहीं, मेरे हिस्से के समोसे मैं खाऊंगा। शाबाश, जा दौड़ के लेके आ। लाता हूं पापा जी। मुझे समोसे मिले और तुझे फिंगा। आलिया बेटा एक बाइट ले लू, मेरा समोसा आएगा ना तो तू उसमें से बाइट ले लियो। देख सोनो, इतने बढ़िया मूली मिली है ना, सुबह ना मूली के पराठे बनाऊंगी दही के साथ। समोसे क्यों दिया मेरे को? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये कोई वक्त है समोसे खाने का? गरम है। बच्चे बने हो तुम लोग, इस वक्त समोसे खाओगे तो मेरा राजमा कौन खाएगा? वो जो ब्लू डिश में था वो राजमा था? मुझे लगा वो चॉकलेट पुडिंग था मम्मी जी, मैंने फ्रीजर में रख दिया। मेरा राजमा फ्रीजर में? डोली गुस्से में जाते हुए दरवाजा बंद कर दियो। लावे माल निकाल। माया वो जो समोसे तुमने, ये क्या है? दो दो रिमोट किस लिए? ओ, ये तो लिविंग रूम का रिमोट है, शायद गलती से मैं अपने साथ अंदर लेके आ गई। सुमित, क्या कर रहे हो? तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे पुलिस रेड होने वाली है। वो बेहतर होता माया, वहां सिर्फ जेल में जाते, लेकिन पापा जी का रिमोट चुराने की सजा सिर्फ मौत है माया, मौत। ये सिर्फ रिमोट नहीं है, ये पापा जी का पेसमेकर है, जिसके बिना वो कहाँ है रिमोट? रिमोट कहाँ है? अबे किधर है रिमोट? क्या क्या कर रही हो तुम माया? वही जो मेरे साथ रोज होता है, आतंकवाद। वो जो कुछ भी करते हैं अनजाने में करते हैं, पर तुम जो कुछ भी कर रही हो जानबूझकर कर रही हो। इस हरकत का सिर्फ एक ही साइंटिफिक नाम है, गंदी बात। सुमित मैं बिल्कुल वही कर रही हूँ जो तुम्हारी फैमिली करती है, उन्हें भी पता चलना चाहिए ना कि लोग दखल देते तो कैसा लगता है, जब जी चाहे घुसपैठियों की तरह घुसाते हैं। चाहो तो मेरे एक्सपेरिमेंट में तुम भी मेरी मदद कर सकते हो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, खराब किया किसने? तुम लोगों ने। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? तुमसे दूर, ताकि हम दिल्ली वाले तुम मुंबई वालों का दिमाग ना खराब करें। सुमित सॉरी। बम 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 बम
सुनो यार तू मेरे कमरे में क्या कर रहा है? सोने आया हूँ। माया से झगड़ा हो गया क्या? तू बाहर जाके सोफे पे सो। चलना भाई, एक रात की तो बात है। मुझे पराए मर्दों के साथ सोने की आदत नहीं है। पराया, मैं तेरा भाई हूँ। चल थोड़ी सी जगह दे दे। कम से कम शर्ट तो पहन लेता। क्यों? ये मेरा स्टाइल है, कमांडो स्टाइल। आई होप नीचे कुछ पहना हो। थैंक गॉड। यार उधर खिसकना। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो जाके अपने बीवी के पास सो ना। मेरे पास सोने क्यों आया? ऐसे तो नहीं सो सकता। हाँ, सब कुछ सुमित के हिसाब से होना चाहिए ना। कुछ ज्यादा दखल नहीं दे रहा तू हम लोगों की जिंदगी में। मैं दखल दे रहा हूँ? हाँ, अब बस बहुत हो गया तेरा ये आतंकवाद। बैठिया कहीं का घुसपैठिया। वाओ, माया बिल्कुल सही कह रही थी। ये लोग समझते हैं कि हम घुसपैठी हैं। ड्रामा क्वीन। अबे कहाँ चला गया मेरा रिमोट? पापा जी? मोनू बेटा, तूने मेरा कहीं रिमोट देखा है? नहीं पापा जी। अबे ढूंढ कहीं, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बॉडी का पार्ट है ना, मेरे से बिछड़ गया है। तेरी माँ ने कहीं छुपाया होगा। अबे, ये क्या है? अरे पापा जी, वो फ्रिज का दरवाजा थोड़ा सा टाइट हो गया था तो मैंने उसे थोड़ा सा फ्री कर दिया। इतना फ्री? या तुझे जरूरत क्या थी मेरे तौलियों को नील में धोने की? देखो नीले हो गए हैं। लेकिन मम्मी जी, सारे सफेद तौलिये पीले पड़ गए थे। पीले पड़ गए थे क्योंकि वो पीले ही है। बाथरूम की कलश के में वो। माया तुम क्यों मुझे मेरा नया मोबाइल थोड़ा बड़ा है ना? मम्मी जी, बाथरूम में एक भी तौलिया नहीं है, इसलिए ये बाथरूम मैट पहन के आना पड़ा है। सोनू, तुझे किसी ने कहा है कि तू सलमान खान नहीं है? मम्मी जी, ये लोग यहाँ से कब जा रहे हैं? ये देख, ये पीले ही है, पीले मैचिंग। पर मम्मी जी, मैं तो बस मदद कर रही थी। माया बेटा, एक फ्री फंड की राय दूं, हमारी मदद करना बंद कर दो। क्या हुआ बाबा जी, आपको हमारी मदद से तकलीफ हो रही है? आप इरिटेट हो रहे हो। पर हम तो आपके साथ वही कर रहे हैं जो आप हमारे साथ करते हो हमारे घर में, है ना माया? ऑफ कोर्स, हम तो बस थोड़ा हाथ बटा रहे थे। कोई प्रॉब्लम है? ओ जसबीर जी, मैं समझ गई ये क्या कर रहे हैं। क्या हमारा जीना मुश्किल? नहीं नहीं, ये हमारे एहसानों का बदला चुकाना चाहते हैं। जैसे हम इनकी मदद करते हैं ना, वैसे ये हमारा काम कर रहे हैं, है ना मोनू? हाँ, पर तुम लोगों से ना हो नहीं रहा है, क्योंकि हम तुम्हारी सचमुच मदद करते हैं। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। नहीं नहीं डॉली, कसूर तो इसमें हमारा है। हमने इनको है ना हाथ बटाना सिखाया ही नहीं। अरे हाँ, पर मतलब ये बेटा कि एक बार तेरा घर खुल जाए फिर बताता। पापा, मैं ऊपर दिखकर आई हूँ, कोई स्मेल नहीं आ रही, चलो ना घर चलते हैं। हाँ जाओ जाओ, हम भी आ रहे हैं पीछे पीछे। और पापा जी, ऊपर आके ना तुम्हारे घर का गीजर ठीक करेंगे। हाँ बेटा, इस बार तो ना उस साले गीजर की मैं पूरी गर्मी निकाल दूंगा। और माया, मैंने ऊपर आके अलमारी के सारे कपड़े धो देती हूँ। बू आ रही होगी ना कीटनाशक की। और मैं तुम्हारे बाथरूम में जाके तुम्हारे तौलियों से ना
अपना जिस्म सुखाऊंगा। और सुन, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर आगे तू जानता है।